बड़ोदरा गुजरात से कल्पेश भट्ट जी हैं, जिन्होंने प्रश्न किया हुआ है नित्य पूजन से संबंधित। वे कह रहे हैं कि मुझे पूजन के विषय में जानकारी देने की कृपा करें। हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार की पूजन की प्रक्रिया बताई गई है, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार आदि उपचारों को समर्पित करते हुए पूजन का विधान है। तो हम नित्य पूजन जो अपने पंचायतन देवों का, घर में जो भी अर्चा विग्रह होते हैं उनका पूजन करते हैं, तो वो कैसे पूजन करना चाहिए, ये इनका प्रश्न है। देखिए, हमारे यहाँ पूजन का शास्त्रों ने विधान किया हुआ है। पूजन के साथ साथ हम सभी द्विजों के लिए षट कर्मों की आज्ञा है। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षट कर्माण दिने दिने। षट कर्माण दिने दिने दीप्सा है, प्रतिदिन इन षट कर्मों को द्विज मात्र के लिए अवश्य ही करना चाहिए। जिनमें क्या है कि संध्या स्नानम, तो संध्या पहले कहा है पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियत्वात्, पाठ कर्म से अर्थ कर्म बलवान होता है। इस दृष्टि से सबसे पहले स्नान, फिर संध्या, फिर जप, फिर बलिवैश्वदेव तथा अतिथि सत्कार, ये सब कर्म है। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानांच पूजनम, और अपने इष्ट देवताओं का, अपने अपने पंच देवों का, जो भी जिसको भी प्रधान रख करके पंच देवताओं का पूजन करना चाहते हैं उनका अवश्य ही पूजन आदि, अतिथि सत्कार, बलिवैश्वदेव, ये कर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले ये तारतम्य भी है। जैसे यदि आपने स्नान नहीं किया, जो भी शास्त्रों में 10 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, किसी भी प्रकार के आतुर स्नान भी है, तो अगर आपने स्नान नहीं किया तो आप संध्या के अधिकारी नहीं हैं। सबसे पहले आपको स्नान करना पड़ेगा, स्नान के बाद फिर आप संध्या करिए। तो स्नान करना संध्या का अधिकारी बनना है, और उसके बाद जप। आप किसी भी देवता का जप तभी कर सकते हैं, गायत्री आदि का भी जप तब कर सकते हैं जब आपने संध्या की है। प्राणायाम, सूर्य अर्घ्य दान आदि करके ही गायत्री जप का विधान है। तो स्नान, संध्या, फिर जप, फिर देवतानांच पूजनम। ततः अर्थात स्नान संध्या जप के बाद ही किसी भी देवता के पूजन में आप अधिकृत हैं, अन्यथा अनधिकारी हैं। यदि आपने स्नान और संध्या पूर्व के दो कार्यों को कर लिया तो समस्त वैदिक कर्मों के तत्त कर्म में संपादन करने के लिए आप अधिकृत हैं, अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं हैं। कोई व्यक्ति भले ही स्नान कर ले, गंगा स्नान कर ले, यदि वो संध्या नहीं करता है तो उसे किसी भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। संध्या हीनो सुचिर नित्य मनरहा सर्व कर्मसु यदन्यत कुरते कर्म न तस्फल भाग भवेत। संध्या हीना नित्यम अशुचि ही, संध्या से जो हीन है वो सदा ही अपवित्र है। संध्या हीनो असुचिर नित्यम सर्व कर्मसु अनर्हः, संध्या से हीन व्यक्ति सभी कर्मों, कोई भी वैदिक कर्मों के करने का अधिकारी नहीं है, अनर्ह है, अयोग्य है। अगर फिर भी वह हठात बलात्
कोई कर्म करता भी है न तस्य फल भाग भवे, वो उसके फल का अधिकारी वह नहीं होता, वो अकृत के समान ही कर्म माना जाता है। इसलिए संध्या अहरह संध्या मुपासित, ये भगवती श्रुति की हम द्विजों के लिए आज्ञा है कि नित्य प्रति संध्या अवश्य करें। तो स्नान संध्या और गायत्री जप करने के बाद फिर देवता के पूजन के हम अधिकारी होते हैं, तो देवताओं का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्त सद गृहस्थों के लिए और वनस्थों के लिए भी पंचदेवों का पूजन शास्त्र में विहित है। यदि किसी की आस्था भगवान गणपति में विशेष है तो वो गणपति पंचायतन का पूजन करें, शिव जी में आस्था है तो शिव पंचायतन का पूजन करें, और भगवान विष्णु में आस्था है, श्रीमन नारायण में आस्था है या राम कृष्ण में आस्था है तो वे विष्णु पंचायतन का पूजन करें। भगवती त्रिपुर सुंदरी पराम्बा जगदम्बा दुर्गा जी में जिसकी आस्था है तो वे श्री दुर्गा पंचायतन का पूजन करें, और भगवान भवन भास्कर सूर्य में जिनकी आस्था है तो वे लोग सूर्य पंचायतन का पूजन करें। देखिए मत्स्य पुराण में पंचायतन पंचदेवों का विवरण है। आदित्यम गणनाथंच देवीम रुद्रंच केशवम पंच दैवतमित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजये। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, इष्टापूर्त या जो संस्कार आदि स्वसंस्कार सुत संस्कार कुछ भी कर्म कर रहे हैं, सर्व कर्मसु पंच दैवम पूजये, इन पांच देवताओं का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कोई भी कर्म हो, कुछ भी कर रहे हैं आप, आदित्य गणनाथ देवी रुद्र और केशव यही पंचदेव, जिसकी जिसमें दृढ़ आस्था विशेष है उसको मध्य में रख करके और उन पंचदेवों का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अब पूजन कैसे करें, जैसे हमारे कल्पेश जी ने पूछा है, तो पूजन के कई क्रम हैं, जैसी जैसी जिसकी सामर्थ्य है वैसा पूजन करें। सामान्य रूप से घर में देवताओं का पूजन दशोपचार से होना चाहिए। उपचार में ध्यान और स्तुति को अवश्य ही रखना चाहिए। सबसे पहले देवता का ध्यान करें, फिर उनको आसन दें, फिर पाद्य यानी देवता को पैर धुलाने के लिए जल दिया जाता है, अर्घ्य और आचमन, तथा फिर देवता को स्नान कराएं और वस्त्र पहनाएं, फिर चंदन गंध, फिर अक्षत, शालग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, अक्षत की जगह पर श्वेत तिलों का समर्पण होता है, फिर पुष्प, विभिन्न प्रकार के पुष्प पत्र आदि जो जो जिस जिस देवता के लिए प्रिय हैं उनको चुन चुन करके लाला करके और बड़े प्रेम से देवता को समर्पित करना चाहिए। फिर धूप, बढ़िया अष्टांग धूप, दशांग धूप, द्वादशांग धूप, देशी गाय के शुद्ध गोबर के कंडे पर उस धूप को, स्वहस्त निर्मित भी धूप होती है, कुछ पदार्थ शास्त्रों में बताए गए हैं, 10 चीजों को मिलाकर के बनाने वाली धूप दशांग कहलाती है, अष्टांग धूप होती है, द्वादशांग धूप होती है, प्रत्येक देवता के लिए अलग अलग तरीके की धूपों का वर्णन है शास्त्रों में, तो उनको संग्रहित करके कूट करके और वो चूर्ण उस पर गोबर के कंडे पर डाल दिया जाता है, तो उससे वो देवता और वो वातावरण सब बड़े आनंदित होने लगते हैं। फिर दीप, दीप प्रदर्शन करें,
बहुत से लोग इसी समय उद्दीपक का मतलब आरती समझते हैं, ये आरती नहीं है। आरती जो है वो बाद में होता है, आरती का क्रम उपचार समर्पण बाद में है, ये तो दीप प्रदर्शन है। आपाद मस्तकम दीपम प्रदर्शये, पैर से लेकर के शिर पर्यंत त्रिवारम, तीन बार देवता को जो है दीपक प्रदर्शित कराना चाहिए, और उस दीपक को फिर निरावरण भूमि पर न रख करके अक्षत पुष्प या कुछ रख करके उसके ऊपर उस दीपक का स्थापन देवता के दक्षिण भाग में। घृत दीपम देवस्य दक्षिण भागे स्थापयेत, तैल दीपम देवस्य वाम भागे स्थापयेत, ये पूजन पद्धति में है। फिर हाथ धो करके देवता का भोग लगाए, जो जो पदार्थ हैं नैवेद्य निवेदन करके, फिर आरती और पुष्पांजलि स्तुति ये अवश्य होना चाहिए। सायंकाल को भी जहाँ नित्य पूजन का विधान है वहाँ आहन्निक प्रकरण में, निबंध ग्रंथों में, कर्मकांड के ग्रंथों में, पद्धति ग्रंथों में, भाष्य ग्रंथों में सायंकाल को भी देवता का, इष्ट देवता का, गृह देवताओं का पंचोपचार से पूजन का विधान है, आरती पुष्पांजलि प्रार्थना का विधान है। और नित्य प्रति धर्म सिंधुकार कहते हैं कलयुग में भगवान नाम ही प्रदान होने के कारण ये सब पूजन करते हुए भी और भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो संध्या स्नान जप इत्यादि ये जो शत कर्म है इसके बाद भगवान नाम संकीर्तन भी करें, ये नित्य पूजन का क्रम इस प्रकार शास्त्रों में बतलाया गया है। हर हर महादेव।